वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस क्लास में हम बात करेंगे 11 नंबर क्वेश्चन नंबर 11 डॉक्टर केसी सिन्हा के बारे में, जो कि एक्सरसाइज 1.1 का है। दिखाइए कि निम्नलिखित संख्या को पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां पी और क्यू पूर्णांक है तथा क्यू नॉट इक्वल टू जीरो है। क्यू जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, ये हमें शर्त में दिया गया है। क्यू बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। ये 11 नंबर का 3 नंबर क्वेश्चन है, तो चलिए हम इसे हल करते हैं। लिखेंगे हल, हम इसे मान सकते हैं एक्स बराबर, माना एक्स बराबर 0.6 पर रेखीय कोष्ठ। इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, एक्स बराबर 0.6 पर रेखीय कोष्ठ। अब हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 6x बराबर 0.0 इस रेखीय कोष्ठ को हटा देंगे तो 6 कुछ इस प्रकार से अपने आप को पुनरावर्तित करेगा। इसे हम समीकरण एक मान लेते हैं। अब हमें एक दूसरा कदम ये उठाना है कि समीकरण एक में पहले यहाँ पर देखिए कितने अंक पर रेखीय कोष्ठ है, तो यहाँ सिर्फ 6 पर रेखीय कोष्ठ है और एक अंक पर रेखीय कोष्ठ है, इसलिए हम संख्या समीकरण एक में 10 से गुना करेंगे, वो भी दोनों तरफ। पहले यहाँ हम लिखेंगे समीकरण एक में, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर हम समीकरण एक में 10 से गुना करेंगे दोनों तरफ। एक्स गुना 10 बराबर 0.66 चलते जा रहा है, इसमें भी हम गुना करेंगे किससे, 10 से। अब हम इसे गुना करेंगे 10 गुना x तो क्या हो जाएगा, 10x। और यहाँ पर गुना करेंगे तो ये दशमलव एक अंक इस साइड आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा, तो हमें क्या प्राप्त होगा, 6.66 अपने आप को पुनरावर्तित करेगा। इसे हम समीकरण दो मान लेते हैं, अब हम करेंगे क्या, समीकरण दो में समीकरण एक को घटाएंगे, समीकरण दो में समीकरण एक को घटाने पर इसे हम समीकरण दो में समीकरण एक को घटाएंगे। मैं इस तरफ लिख लेता हूँ, आप इसके नीचे ही कंटिन्यू करेंगे। समीकरण दो हमारा क्या है, 10x बराबर 6.66 अपने आप को पुनरावर्तित कर रहा है, ये हमारा समीकरण दो हो गया। दूसरा हमारा क्या है, समीकरण एक को हमें घटाना है। समीकरण एक हमारा क्या है, एक्स बराबर 0.66 अपने आप को पुनरावर्तित कर रहा है, अब हमें इसे घटाना है। 10 में एक एक्स घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 9x प्राप्त होगा। इस 6 में इस 6 को घटाएंगे तो शून्य हो जाएगा, तो दशमलव के बाद शून्य का कोई मतलब नहीं रहता है, तो हम 6 इस 6 में 0 को घटाएंगे, दशमलव के इस साइड वाले को 6 में 0 घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 6। अब हम इस 9 को बराबर के इस तरफ लाएंगे, x बराबर यहाँ पर गुना में है तो इस तरफ आकर वो भागफल के रूप में आ जाएगा 6/9। तो अब हमें इस अंक को, इस भिन्न को सरलतम रूप में लिखेंगे, x बराबर
तीन दोनी छः, तीन तिया नौ, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगले क्लास में हम देखेंगे 11 नंबर का 4 नंबर क्वेश्चन। तब तक के लिए